हे गाइस दिस इज़ करशमा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो सर्दियों का मौसम आ गया है तो सर्दियों में खाई जाने वाली सबसे पसंद की जाने वाली यहाँ पे आंवला का मुरब्बा की रेसिपी आज हम बनाएंगे वो भी बिल्कुल आसान तरीके से बिना फिटकरी के हम यहाँ पे आंवले का मुरब्बा बनाएंगे एकदम बाज़ार जैसा जो आप ऑलमोस्ट बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और आंवला हमारे हेल्थ के लिए हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए बनाकर स्टोर करके रखें बच्चों को हमें बेशा एक आंवला बच्चों को दे बड़ों को दें आप खाएं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाज़ार से जो फ्रेश आंवला मिलते हैं वो यहाँ पे ले लिए हैं तो अपना हम यहाँ पे लेंगे कांटेदार चम्मच तो यहाँ पे इस आमले में ना हमें यहाँ पे अंदर तक छेद कर देने हैं मतलब इस जो कांटेदार चम्मच है फॉक से हमें यहाँ पे अच्छे से इसको छेद लेना है ताकि जब हम आमले का आमले का जो है चाशनी वो बनाए तो चाशनी एकदम अंदर तक बैठ जाए इसका जो एकदम रू रू है वो चाशनी से भर जाए इस तरह का हमें यहाँ पे आमला है उसको छेदना है तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये हल्का सा मुश्किल है लेकिन जब आप आमले का मुरब्बा खाएंगे आपने जो इतनी मेहनत से बनाया तो आपको ये वाला प्रोसेस करने में ऐसे दुख दुख फील नहीं होगा कि मैंने इतनी मेहनत करके कराए तो यहाँ पे सारे के सारे एक आंवला को मैंने कर लिया तो फटाफट से सारे के सारे आंवला को भी मैंने यहाँ पे कर लिया तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से मैंने यहाँ पे छेद कर दिया है सारे के सारे आंवला में तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं यहाँ पे आपको एक बर्तन चढ़ाना है जिसमें डालना है पानी पानी उतना यूज़ करना जिससे आंवला अच्छे से आपके डिप हो जाए तो यहाँ पे ना पानी को गर्म होने देना है सबसे पहले तो तो हमारा पानी यहाँ पे गर्म हो गया है मतलब बॉइलिंग वाले प्रोसेस तक आ गया कि थोड़ी देर में बस उबलने वाला पानी उस टाइम ना हमें यहाँ पे सारे के सारे जो आंवला है वो इस पानी में ऐड कर देने हैं तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट दस से बारह आंवला लिए आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे इतने जो भी आंवला में छेद किए थे वो सारे के सारे ऐड कर दिए पानी में और अब ना इसे मीडियम फ्लेम पर हमें पाँच से सात मिनट के लिए उबाल मतलब ऐसे गर्म होने देना है आपको ध्यान रखना है कि आंवला को हमें ऐसे इतना सॉफ्ट करना है कि जब हम चम्मच इसके अंदर डाला तो एकदम आराम से डल जाए बस आपने देखा इतना सॉफ्ट हमें यहाँ पे आंवला को कर लेना है तो बस तो जो हमारा बर्तन है उसको उतारना है उसके बाद एक बर्तन के अंदर ना आंवला को जो ये पानी है उसको निकाल देना है और आमला को सूखने देना है जब तक कि अगला प्रोसेस में चाशनी नहीं बन जाती और ये जो आमला का पानी है इसका यूज़ कर सकते हैं आप बाल धोने के लिए बहुत अच्छा होता है तो दूसरी तरफ ना मैंने कढ़ाई चढ़ाई है उसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पे डेढ़ कप के करीब चीनी और जितनी चीनी डाली है उसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे पानी डेढ़ कप चीनी डाली थी तो डेढ़ ही कप यहाँ पे पानी ऐड किया है मैंने और उसके बाद ना अब हमें यहाँ पे चाशनी को मतलब चीनी को प्रॉपर पिघलने देना है चीनी पिघल गई है हमारी तो अब हमारे यहाँ पे जो आंवला रखे थे साइड में उसका भी सारा का सारा पानी निकल चुका है तो अब ना हम हमारे ये जो आंवला है वो इसमें ऐड कर देंगे और सबसे पहले ना हमें ये डालना है आंवला डालने के बाद इलायची का पाउडर इससे ना जो आंवले का मुरब्बा है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसलिए आप इलायची का पाउडर ज़रूर से ऐड करें अब इसे ढक्कन देकर गैस का फ्लेम लो में मतलब धीमी आंच में हमें यहाँ पर आंवला को आराम से पकने देना है और इसका जो इसकी जो चाशनी है उसको धीरे धीरे गाढ़ा होने देना है मैंने यहाँ पे आंवला का जो है यहाँ पे चाशनी है उसको ऑलमोस्ट आंवला डालने के बाद इसको तीस से पैंतीस मिनट के लिए पकाया था तो हमारे आंवला प्रॉपर सॉफ्ट हो गए थे तो आपको भी यहाँ पे ऑलमोस्ट तीस से पैंतीस मिनट के अंदर अंदर आपके आंवला एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे आप देख सकते हैं चाशनी गाढ़ी भी हो गई है और कम भी हो गई है पहले के मुकाबले तो अब ना हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम एक बार और तेज़ किया है दो मिनट के लिए सिर्फ उसके बाद कर दिया था बंद तो हमारा आंवला का मुरबा यहाँ पे बनकर तैयार है एक बात मैं बता दूँ कि चौबीस घंटे के बाद ना आंवला की ये जो चाशनी है और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी इसलिए अभी आपको ये चाशनी पतली लग रही होगी लेकिन चौबीस घंटे बाद हमारी चाशनी एकदम बजरा जैसी गाड़ी हो जाएगी और आप ना इस मुरबे को ना एकदम कांच के कंटेनर में रखें ताकि आंवला का मुरब्बा लंबे समय तक चले और मैं ना यहाँ पे हालांकि अभी तो ये हल्का सा गर्म है लेकिन थोड़े टाइम बाद इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कितना खिला खिला हमारा यहाँ पे आंवला का मुरब्बा बनकर तैयार है तो ज़रूर से सर्दियों में बनाकर रखें और मुझे बताएं कि आपका आंवला का मुरब्बा कैसा बना